एक घंटे से ना वॉल ढूंढ रही हूँ कहीं तो लाइट मिल जाए ताकि चेहरा दिखे, बट नहीं, ये यही वॉल है, अब यही चला लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी इंस्पायरिंग यू टू नॉट वेस्ट दिस वीकेंड फॉर क्वारंटीन एंड टू पेंट एंड टू डू समथिंग इन क्वारंटीन। तो हमारे साथ तो ट्रेजेडी हो गया था कि हमारे घर का मिक्सर लॉकडाउन से पहले खराब हो गया, बट ओल्ड वाला मिक्सर पॉट्स वर लाइक प्लीज डोंट थ्रो मी अवे, आई विल बिकम होमलेस, एंड आई एम लाइक ओह कोरोना में अब कहाँ जाएंगे ना, तो DIY करना बनता है। तो इसीलिए फिर आई देन थॉट लेट्स पेंट देम, एंड डूड यू वोंट बिलीव द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। जस्ट लेटिंग यू नो, आई मेड टू प्लांट होल्डर्स, वन DIY लैम्प, एंड देन आई मेड वन शो पीस, मतलब एकदम एक्सक्लूसिव शो पीस। एंड हाँ, बिफोर बिगिनिंग द वीडियो, आई एम नॉट अ पेंटर, आई डू नॉट नो प्रोफेशनल पेंटिंग, बट I did it with all my heart and I urge you guys to also do it. Yaar, paint karna na is therapy. Trust me, there's nobody to tell you ye straight nahi hai, ye line straight nahi hai, ye aisa nahi hota, ye waisa nahi hota. Just do abstract, do anything, be your own MF Hussain. All you need is paints as well as colors. What am I saying? Paint as well as brushes. So let's begin. Weekends are the times jab my creative mata comes out. Got some acrylic colors from Amazon and purane wale brushes miss their colors. Now tragic incident to I told you, lockdown mein mixer kharab ho gaya tha, so DIY to banda tha na. Now taking one mixer pot, used masking tape at the edge. तो जैसे ना मैंने बोला था पेंट योर हार्ट आउट, पहले मैंने बहुत ऐसा मतलब खुद को पता नहीं MFSN समझ के पेंट किया, एकदम गंदा हो गया, एकदम शिट्टी सा हो गया। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक और कोट किया येलो वाला टू कवर अप जो भी मैंने किया था, एंड रो एंड रिजल्ट तो इतना कूल था, वो कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट येलो एंड रेड, वो चटनी का जो छोटू मिक्सर होता है ना उसको ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन दिया, और बहुत बारीक तरीके से आई ट्राइड कि वो जो ऊपर का रिम है उसमें एक लेस सा पैटर्न या कुछ ऐसा बॉर्डर सा बनाऊं ताकि इट लुक्स गुड, एंड ऑनेस्टली गाइस रिजल्ट वाज लवेबल। अब बारी थी फूड प्रोसेसर की, जिसका हम साइड लैम्प करने वाले हैं। मास्किंग टेप से डिजाइन बनाया है, एंड जस्ट पेंट योर हार्ट आउट एंड पूरा पेंट कर दो। यार लाइक आई मेंशन्ड, यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू पेंट, पेंटिंग इज थेरेपी एंड आई फील अमेजिंग आफ्टर पेंटिंग। ट्राई इट दिस क्वारंटीन। अब मास्किंग टेप निकाल दो एंड मेक अनदर डिजाइन। पेंटिंग में सबसे फेवरेट इज गिविंग एन ओम्ब्रे इफेक्ट। सो ओम्ब्रे इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, डार्क कलर ऑन द बॉटम, उसके बाद थोड़ा सा उसका लाइटर शेड और ऊपर वाइट मिक्स करके गिविंग अ मच लाइटर शेड। तो दैट इज व्हाट आई ट्राइड हियर। तो ओम्ब्रे इफेक्ट ट्राई किया, सूखने के बाद इट वॉज लुकिंग लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक और समथिंग। तो टू कवर अप दैट, खरबूज के बीज जो होते हैं ना वो सुखाने डाले थे, तो वो जब सूख गए तो उसको फेविकॉल से डिजाइन करके ओवरऑल चिपका दिया। सो 3D इफेक्ट मिला प्लस समथिंग डिफरेंट एंड इट लुक अमेजिंग इन द एंड। तो फर्स्ट पॉट के लिए ना ब्लेड निकाल दिया है, फिर सॉइल डाला है और उसके ऊपर पुट दैट मनी प्लांट। तो अगर तुम ब्लेड नहीं निकाल सकते और तो भी तुम एक प्लांट रखना है, तो व्हाट यू कैन डू इज ब्लेड के ऊपर यू कैन पुट कार्डबोर्ड और उसके अंदर यू कैन पुट द पॉट, जो भी पॉट ये मिक्सर के पॉट के अंदर फिट हो जाए। जो कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, लुक एट द एंड रिजल्ट यार, इसमें तो प्रॉपर सॉइल डाल के बाम्बू प्लांट लगाया है, एंड एम्बेलिशमेंट्स के लिए आई हैव यूज्ड रोप, वो जो जूट का रोप होता है ना उससे मैंने बस एक बो टाइप किया है, एंड टू मेक इट सिक्योर मैंने ये गम से चिपका है, मतलब ग्लू गन से। मिक्सर का एक ये पार्ट होता है ना जो वेजिटेबल कटिंग और जूसर के लिए यूज़ होता है, दैट वाला पार्ट है पेंटेड प्लेन ब्लैक। ओह एंड आई फॉरगॉट टू शो यू द रिजल्ट ऑफ द फूड प्रोसेसर, इट लुक्ड अमेजिंग आफ्टर आई कंप्लीटेड द एंटायर पेंटिंग। नाउ टू मेक अ लैम्प आउट ऑफ इट, जस्ट पुट फेरी लाइट्स फ्रॉम द सेंटर होल एंड प्लेस इट ऑन द जूसर वाला पार्ट। यू कैन इवन पुट अ गोल्डन लीफ और एनी काइंड ऑफ अ लीफ दैट यू हैव एट द सेंटर पार्ट टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव।
चुका मतलब फेरी लाइट्स ऊपर से आई पुट सम रेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स टू एक्चुअली गिव ओवरऑल रेड एंड ब्लैक वाला लुक. Now, रात को दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस वॉज द फूड प्रोसेसर का मेक ओवर. लेट मी शो यू बाकी सब मैंने कैसे अरेंज किए हैं. देखने के लिए थैंक यू सो मच यार. एक्चुअली वॉच टाइम मैटर करता है फॉर एवरी यूट्यूबर और अगर कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो डोंट स्किप बीच में ही एंड वॉच इट टू द एंड ऑफ द वीडियो. सो थैंक यू सो मच. तो अब संडे को एक और वीडियो आने वाला है सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मैंने एक्चुअली बात नहीं किया इस बारे में ऑन द चैनल सो सरप्राइज ही रहने दो. एंड आई सी यू गाइस ऑन संडे. बाय.